पत्थरबाजी करेंगे? क्या अब पूजा करना अपराध हो गया है? पूजा होगी तो क्या पत्थर बरसाए जाएंगे? कर्नाटक में आखिर इतनी नफरत कौन फैला रहा है? ये सीसीटीवी फुटेज हम आपको दिखा रहे हैं। मांडिया मॉड्यूल में के पीछे आखिर कौन है, ये एक बड़ा सवाल है। आखिर किसके कहने पर ये सब कुछ हमला होता है, किसके कहने पर पत्थर फेंके जाते हैं, इतने मोटे भारी पत्थर आए कहां से, पत्थरबाजों को किसकी छूट है, किसके कहने पर ये सब कुछ किया गया, तमाम बड़े सवाल खड़े होते हैं। लेकिन ये फुटेज आप देखिए, ये सीसीटीवी फुटेज आप देख रहे हैं, कैसे देखिए, कैसे लोग जो है टूटे हुए शोरूम से यहां पर बाइक लेके जा रहे हैं, क्योंकि शोरूम को भी निशाना बनाया गया और शोरूम के अंदर से एक एक करके बाइक निकाली जा रही है। आप देखिए शोरूम का शीशा जो है कैसे टूटा हुआ है। मांडिया मॉड्यूल के पीछे कौन है, ये बड़ा सवाल है। ये सीसीटीवी फुटेज से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं और इसी पूरे मामले से जुड़े हमारे संवाददाता नागेंद्र बाबू की ग्राउंड जीरो की एक रिपोर्ट दिखाते हैं। गणेश मूर्ति को लेके आने के लिए एक प्रोसेशन आने का समय पे एक जय श्री राम एक स्लोगन समय में बहुत सारे लोग, मतलब एक 20 से 30 लोग आके उसको रोकने के लिए ट्राई भी कर सकता, ट्राई करने के समय पे झगड़ा होता है वो, उसका बाद पूरा नागमंगला में बहुत सारा जगह पे आग लगाने का काम भी हो चुका है। अभी मैं एक जगह का सामने में खड़ा हूँ, एक शोरूम दिख रहा है हमको, बजाज बाइक शोरूम। ये बजाज बाइक शोरूम का अंदर 15 बाइक था, वो 15 बाइक में 6 बाइक अभी इधर है, उस बाद पूरा 7 कम से कम 9 बाइक को इधर से थोड़ा लोग इधर आके उसको खींच के बाहर लेके आके उसको आग भी डाल चुका है। देखिए अभी इधर देख रहे हैं हम लोग कैसा इधर का ग्लास का पूरा टूट चुका है। देखिए कितना बड़ा बड़ा पत्थर को इधर पत्थर से इधर मारा है, अभी देख सकते हैं। देखिए स्वयं से देखिए इतना बड़ा बड़ा पत्थर को मारा है। ये पल्सर भाई के ये भी पूरा डैमेज हो चुका है, ये लकड़ी के साथ में आके इधर पूरा डैमेज कर चुका है। देखिए अभी इधर सीसीटीवी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये सीसीटीवी फुटेज में बहुत सारा पूरा रिकॉर्ड हुआ है। कम से कम 8 से 10 लोग ये शोरूम का अंदर आके इधर का बाइक को खींच के बाहर लेके आके उसको आग भी लगा चुका था। सो देखिए मैं वो भी जगह आपको मैं दिखाता हूँ इधर का लोग कैसे कैसे किया है। देखिए उधर एक दुकान दिख रहा है हमको, एक हार्डवेयर शॉप दिख रहा है। हार्डवेयर का अंदर उन्होंने एक लोकलाइट ने रिपब्लिक कर्नाटक को इन्फॉर्मेशन दे रहा था कल रात। ये देखिए इधर का बाइक कैसा आग लग चुका था। ये देखिए इधर एक हार्डवेयर शॉप भी है, ये हार्डवेयर शॉप का अंदर देखिए एक बड़ा लकड़ी को लेके आके इसको उठा के उसका अंदर पेट्रोल बॉम्ब फेंका था कल। इधर का लोकलाइट ने रिपब्लिक कर्नाटक को इन्फॉर्मेशन दे रहा था। ये देखिए ये पूरा बोरवेल का यूज़ करने का मशीनरी था, ये पूरा मशीनरी को उन्होंने पेट्रोल बॉम्ब फेंके ये पूरा आग लगाने के वो ऐसा हुआ है बोल के लोकलाइट ने हमको इन्फॉर्मेशन दे रहा था। और एक दुकान को मैं आपको दिखाता हूँ, एक टी शॉप था, वो टी शॉप भी कैसा डैमेज हो चुका है हम उसको देख सकते हैं। देखिए उधर एक टी शॉप है, वो पूरा डैमेज हो चुका है। देखिए पूरा पुलिस लोग अभी इधर डिप्लॉय भी किया है, क्योंकि कभी भी इधर हालत फिर ख़राब हो सकता है, इसका वजह से पूरा स्क्वाड को इधर लेके आके सिक्योरिटी के अलर्ट करके है। ये देखिए एक टी शॉप का हालत कैसा हुआ है, देखिए पूरा इधर का एक टीवी हमने दिख रहा है, टीवी भी टूटा है, पूरा डैमेज कर चुका है। देखिए दुकान का अंदर आके इसको पूरा डैमेज करने का ट्राई भी किया है। देखिए एक एक थिंग मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए इसको लेके आके इससे पूरा ये ग्लास को तोड़ा है। और ये देखिए ये बियर बॉटल भी इधर पड़ा है, इसका अंदर पेट्रोल डाल के इसको इधर इसका अंदर फेंकने का ट्राई भी किया बोल के इधर का एक्स MLA सुरेश गोड़ा अभी रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क को इन्फॉर्मेशन दे चुका है। तो नागेंद्र बाबू की रिपोर्ट आप देख रहे थे, बता रहे हैं कि ऐसे बोतल बम का भी इस्तेमाल किया गया है जिससे कि वहां ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाया जा सके। सीधे तौर पर ये वो उपद्रवी तत्व थे जो वहां माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे थे। पहले गणेश शोभा यात्रा के दौरान, माने भगवान गणेश की शोभा यात्रा के दौरान पत्थरबाजी की जाती है, उसके बाद हंगामा किया जाता है। आपको एक और तस्वीर दिखाते हैं ग्राफिक्स के जरिए कि आखिर सवाल जो उठ रहे हैं वो क्या है, क्यों इस पूरे मामले में प्रशासन की लापरवाही का मामला सामने आ रहा है। और अब ये कह रहे हैं, रिपोर्ट पहले दिखाते हैं आपको, कि अब जो स्थानीय लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि पहले से ही उनको परेशान किया जा रहा था और अचानक से इस पूरे मामले में लोग इकट्ठे हो जाते हैं और हंगामा करना शुरू कर देते हैं। रिपोर्ट देखिए।
जोर से देखिए, इतना बड़ा बड़ा पत्थर को मारा है और इधर का ग्लास का पूरा टूट चुका है। धर्म पथ पर पत्थर, नफरत शहर शहर। सुयश देखिए, इतना बड़ा बड़ा पत्थर को मारा है। ये पल्सर भाई के ये भी पूरा डैमेज हो चुका है। ये लकड़ी के साथ में आके इधर पूरा डैमेज कर चुका है। गणेश पूजा में गदर, दंगाई निडर। सूरत, लखनऊ और अब कर्नाटक, कौन दे रहा नफरतियों को ऑर्डर? 3 दिन और हिंसा की 3 घटनाएं। मजहबी पत्थरबाज पिछले 3 दिनों से लगातार हिंदू आस्था पर पत्थर बरसा रहे हैं। पहले सूरत में गणेश पूजा पंडाल पर पत्थरबाजी की गई, फिर पत्थरबाजों ने लखनऊ में घर के अंदर स्थापित गणेश प्रतिमा को निशाना बनाया और अब कर्नाटक में मांड्या में गणेश यात्रा के जुलूस की राह रोक कर पहले मजहबी पत्थरबाजों ने बवाल काटा और फिर हिंसा की आग में हिंदुओं की आस्था को झोंक दिया। ये तस्वीरें गवाह हैं। गणेश यात्रा के दौरान जब बीती रात कर्नाटक के मांड्या में श्रद्धालुओं का रास्ता रोका गया होगा और पत्थरबाजों ने श्रद्धालुओं को निशाना बनाया होगा, तब जुलूस में शामिल श्रद्धालुओं का क्या हाल हुआ होगा? जानकारी के मुताबिक कर्नाटक के मंड्या जिले के नागमंगला में बवाल की ये घटना तब सामने आई जब हिंदू श्रद्धालु गणेश विसर्जन यात्रा निकाल रहे थे। यात्रा जैसे ही नागमंगला में मौजूद मस्जिद के पास पहुंची, उपद्रवियों ने जुलूस यात्रा पर पत्थर फेंकने शुरू कर दिए, जिसके बाद दोनों समुदायों के बीच झड़प शुरू हो गई। फिर उपद्रवियों ने दुकानों और वाहनों को आग के हवाले कर दिया और हिंदू श्रद्धालुओं के साथ जमकर हिंसा की गई। जानकारी के मुताबिक हिंसा की खबर मिलने के बाद जब तक पुलिस की टीमें मौके पर पहुंचती, तब तक उपद्रवियों ने आसपास की कई दुकानों और वहां खड़ी गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने भीड़ को काबू करने के लिए पहले लाठी चार्ज किया और फिर भी जब हालात काबू में नहीं आए तो पुलिस ने भीड़ को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे। फिलहाल हिंसा की इस घटना के बाद मंडिया में माहौल तनावपूर्ण है और प्रशासन ने एहतियातन कदम उठाए हुए हैं। 45 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है और मंडिया जिले में धारा 163 लागू किया गया है। शहर के